ये बस आंसू जो है वो दादा अब की वजह से आ गए। नहीं देखे, सुबह से लाइट इतना तंग कर रही है, और लाइट हमने ये वाली जला के अपने पास रख लिया टॉर्च इधर। क्या हुआ? हाँ कक्का बहुत गमी है, फिर गए चलिए लो। कैट आप भी गए हैं बच्चे पढ़ने के लिए? ऊंची आवाज से पढ़ो। आता है ना सा आपको? जी आज हम बना रहे हैं अड़वी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज के नए व्लॉग में आप सबका वेलकम, और करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, और वीडियो लाजमी थोड़ा देखा करें। तो सबसे पहले तो आज हमने यहाँ पे देखिए ये सारा साफ कर लिया किचन, और ये रहता है अभी कमरा, झाड़ू वगैरह लगा लिया, और अभी ये रहता है। तो यहाँ देखिए कितना गंदा। आप लोगों का शुक्रिया भी अदा कर सकूं। तो चले सबसे पहले तो हम थोड़ा खाना बना लें, तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखे यहाँ पे मैं सफाई करके उधर गई हूँ, हम जाके काम देख लें। आप जरा एक काम करें, फटाफट ऊपर से गंद डालना शुरू हो जाता है, बहुत गंदे काका है तू। हाँ जी, तो चलो फिर अब हम थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे आराम से फोन से बैठ के आपसे बातें करते हैं, ठीक है? आज मौसम भी देखें कितना प्यारा है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होगी आज, बहुत प्यारा मौसम है। जी आज हम बना रहे हैं अड़वी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अभी से। आप भी गए हैं बच्चे पढ़ने के लिए? ऊंची आवाज से पढ़ो। आता है ना सा आपको? अरे बात है, इधर होके बैठो ना, हवा भी आए, इधर होके बैठो आप, इधर इधर आप नहीं बैठ रहे हाथी पारा का है। चलो पारा लेके आओ, चलो भागो। दो तीन घंटे हो गए हमारी लाइट भी ये कम हो गई है टॉर्च, तो अब बैठे हुए हमने टॉर्च कम हो गई है ना, तीन घंटे तो हो गए हैं सोने हम दो बैठे हुए गमी में। हाँ कितनी गमी है, मैं तो हवा दे दे के थक गई, और हमारी ये टूट भी गई है देखे, इतने हालात बुरे हुए पड़े हैं बिजली की वजह से, है ना? हम जा पकली पकली पकली, लेकिन मैंने हम जाकर देख के पसीना नहीं आने दिया ना, पर ये टूट गई, हवा भी नहीं आ रही इससे अच्छी। सुबह बनाएंगे हम हमजा पंखा हाथ वाला, है ना? नहीं देखे, सुबह से लाइट इतना तंग कर रही है, और लाइट हमने ये वाली जला के अपने पास रख लिया टॉर्च इधर। क्या हुआ? हाँ कक्का बहुत गमी है, फिर गए चलिए लो। कह रहे लो आज इतनी को इतनी लाइट चली गई है, इतनी लाइट गई है, मैं और हमजा इतना वो हो रहे हैं। ये देखे हमजा को पसीना अभी से शुरू हो गया कि नहीं? अगर क्या है ये भाई, नहीं अगर क्या आयो नहीं है की? चलो हम अब क्या करें, हम अकेले बैठ के इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, ये देखे मेरे सारा अपना किचन वगैरह सेट किया, जाके बैठे थे अंदर, तो
तो लाइट चली गई। चलो इधर बिस्मिल्लाह। तुम बहुत गिरते हो सोने, रहो मैं आपको इससे हवा दूं। आ रही हवा? तो जी काम वगैरह कर लिया हमने सारा, तो आज हमारी लाइट भी आ गई है। देखने रात को तकरीबन चलेगी थी 8 बजे और अब आई है सुबह, तो हम देखे पापा भी चले गए काम वगैरह पे, तो खाना वगैरह भी बना लिया मैंने, हांडी भी बना ली है और हांडिया खाना, और फ्री होके तो मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे हमें सपोर्ट की है। ऐसी सपोर्ट करते रहा करें तो फिर हमारा भी दिल करेगा हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दिखाएं, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट ही ना करते तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो ही ना बनाऊं। और ऊपर से इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोगों के सामने ही है जब कोई वीडियो बनाता है तो इतनी मेहनत से, जाहिर सी बात है इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो फिर आप लोग सपोर्ट ही नहीं हमें करते। तो जैसे आप लोगों ने ये पिछली वीडियो पे सपोर्ट किया हमें, इसी तरह आगे भी आप सपोर्ट करते रहा करें, तो मैं इंशाल्लाह अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया करूँगी। और मैंने तो यही फैसला कर लिया था कि मैंने हम देखो पापा को कहा और पापा जुजमा को कहा, मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं बनानी क्योंकि ना इतनी मुश्किल से मैं बनाती हूँ तो ऊपर से ना तो व्यूज आते और ना ही इतनी हमारी वो आप लोग सपोर्ट करते हैं हमें, ना ही हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं डिसाइड हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने कहा मैंने अब वीडियो नहीं बनानी करनी। तो लेकिन आप लोगों ने हमें सपोर्ट की है, मुझे अच्छी अच्छी सी बातें बताई हैं कि आप लोग नहीं छोड़े, आप भी लोग यानी कि आप हमें देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों को की बात मान के मैं फिर वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैंने तो यही कहा हुआ था कि मैंने वीडियो नहीं बनानी। लेकिन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे कहा कि आप वीडियो बनाती रहें, कौशल भाभी वीडियो बनाती रहें और आप लोग वीडियो बनाती रहें, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग भी बनाया करूँगी और व्लॉग में जान भी डाला करेंगे। व्लॉग आया कि कौशल भाभी आप व्लॉगिंग मत छोड़े लेकिन व्लॉग में जान डालें, तो आप से मैंने जो भी मुझे आता है मैंने आप लोगों से शेयर की है। मुझे कपड़े सिलाई भी करने आते हैं, स्टिचिंग भी करने आते हैं, खाना वगैरह भी बनाना मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर आपको मैंने वो डेकोरेशन से पीस वो भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप लोगों ने किसी पे भी मुझे हमें सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैं डिसाइड हो गई। तो मैंने कहा चलो जी, एक तो मैंने अपना टैलेंट दिखाया है, मैंने अपने अंदर की जो बातें थी मेरे अंदर वो मैंने आप लोगों से शेयर किया, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, जाहिर सी बात है फिर इंसान टूट जाता है। तो लेकिन अब दोबारा से मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाया करूँगी, वीडियोस बनाया करूँगी, लेकिन आप लोग भी बताया करें ना कि मैं क्या बना कर लेके आया करूँ और क्या मतलब आप लोग देखना पसंद करेंगे, वैसे फिर मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँगी। मैं हम जाके साथ बाइट घूमने जाऊँ या फिर मैं अपने घर में कोई ना कोई चीज़ बनाऊँ, खाना वगैरह बनाऊँ या कोई डेकोरेशन पीस बनाऊँ, जो भी आप लोग कहेंगे के सिलाई की स्टिचिंग करें कैसे करने, अगर वो उसका मैं बताऊं तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि मैं इन सब में से मैं क्या काम करूं जो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो बाहर तो मैं ज़्यादा जाती नहीं और ना ही मुझे घूमने फिरने का शौक है, तो इस वजह से मैं फिर बाहर जाती नहीं हूं, और जब जाती हूँ फिर मैं आप लोगों से भी थोड़ी सी वीडियो शेयर करती हूँ, और ना ही मुझे बाहर जाने का शौक है। तो आपको मैंने सुनाया था गंदे बच्चे, मैंने कहा आप लोगों से मैं फिर पूछ लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या देखना, मैं वही फिर आप लोगों से शेयर करती रहा करूंगी। मुझे ज्यादा शौक है ये इस डेकोरेशन पीस बनाने में, मुझे ये शुरू से मुझे पता नहीं क्यों ये होता था कि मैं कोई डेकोरेशन पीस बनाऊं, अपने घर में लगाऊं, ये करूँ वो करूँ। तो इनशाला शुक्र है वहाँ पे भी मैंने इतने सारे डेकोरेशन पीस बनाए हुए थे, और मैं और मेरी कज़न हम दोनों तकरीबन बनाते होते थे मिलके, वो अपने कमरे के लिए बनाती थी और मैं अपने कमरे के लिए, लेकिन हम बनाते जो थे ना हम छुप के बनाते होते थे कि वो मेरे ही ना देख ले और मैं उसकी ना देख लूँ, ऐसे हम करते थे, ऐसे ही जैसे
मतलब कोई जिद वगैरह नहीं, ना ही हमारे में लड़ाई होती थी, लेकिन हम हमारे में शर्त लगाई दी जाती थी। हमारा जो दादा थे ना दादाबू, वो कहते होते थे कि देखते हैं तुम दोनों अलग अलग बनाओ, देखते हैं हम आप लोग दोनों में से किसकी अच्छी डेकोरेशन पीस बनती है। फिर जिसकी अच्छी होती थी ना उसको पता क्या मिलता होता था, इनाम मिलता होता था। तो जो तकरीबन दादा अबू से मिलते होते थे ना इनाम, जो दादा अबू से मिलते थे ना इनाम पता क्या मिलते होते थे, 10 रुपए 20 रुपए। और उसी में इतनी ज्यादा खुशी होती थी, हम इतने बड़े भी नहीं, यानी कि छोटे छोटे से होते थे तब से हमें ये दादा अबू ने स्टार्ट किया हुआ था हम दोनों में रेस लगाने की कि कौन ज्यादा अच्छा बनाता है, तो फिर मैं उसको इनाम दूंगा, या तो फिर वो हमें कहीं घूमने के लिए लेके जाते होते थे तो जिसका ज्यादा अच्छा होता था, लेकिन दोनों को लेके जाते होते थे, कहते थे दोनों का बराबर है, दोनों का सेम है। तो मुझे आज भी उनकी बात याद है कि मैं जब परेशान हो जाती होती थी ना कि एक बात पे कि किसी को कोई चीज मेरी अच्छी नहीं लगती थी बनाई हुई, तो मैं ऐसे ही चुप करके बैठ जाती होती थी। मैंने कहा मैं अब ये करना ही नहीं था, तो मेरे दादा अब कहते होते थे कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए ताकि वो एक ना एक दिन जरूर वो ग्रो करेगी, जरूर एक दिन ना एक दिन वो चल जाएगी चीज, तुम्हें चीज बनानी आ जाएगी, ऐसे कोई ना कोई ऐसे कर कर दे। मेरे ज्यादा सपोर्टिव मेरे दादा जान थे, दादा अबू थे, तो आज जो आज इस दुनिया में नहीं है तो कमी महसूस होती है उनकी, हरदम होती है। तो मेरी दादो भी थी शुरू से ना, मेरी अम्मी फोत हो गई थी ना, तो उन्होंने ही हमें पाला वगैरह दादा अबू ने और दादो ने और अबू ने साथ मिलकर हमें किया सब इतना बड़ा किया। तो आज वो दोनों ही नहीं है हमारे पास, ना दादा है और ना ही दादू। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट की है, तो इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे तो मैं अच्छी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों से यानी ये दरख्वास्त है कि हमें प्लीज सपोर्ट करें, ये बस आंसू जो है वो दादा अबू की वजह से आ गए, और ज्यादातर क्योंकि हम उनके साथ ना बहुत ज्यादा अटैच थे जी, वो पहले जैसे अब बातें नहीं रही, तो मैंने अभी जेन में आई मेरे, तो मैंने अपने दादे जान की दादा अबू कितनी सी जो बात है वो आप लोगों से शेयर कर ली। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, और आप लोगों का फिर एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की जो आप लोगों ने सपोर्ट की है, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहा करें और हमें अपनी दुआ में याद रखे करें। तो अल्लाह हाफिज़।